गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फिर आज मंडे अभी बजे दोपहर के 1:30 बजे, मतलब गुड आफ्टरनून गाइस। तो फिर आज हमारा रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए हमें जाना है कॉलेज में। तो फिर आज सभी लोग कॉलेज में आने वाले हैं, सभी दोस्त हमारे कॉलेज के। तो फिर यहाँ पर गाइस, यहाँ पर अभी सूरज सो रहा है, वहाँ पर तेजस नहाने के लिए गया है और बाकी के लोग मेस में है। मेरा खाना हो चुका है, अभी सोम आ रहा है हमें लेने के लिए। मैं और सूरज और सोहम पहले जाएंगे, बाद में बाकी लोग खाना ना खा के बाद में आने वाले। वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं, आज हमें ब्लॉग में सर्विस दिखाई देगा क्योंकि सर्विस भी आने वाला है। उसका रिजल्ट के लिए उसका ही फ़ोन आया था अभी, वो भी उसका रिजल्ट लेने के लिए आने वाला है। तो फिर एक्साइटेड हो सभी लोग सर्विस का, सर्विस को ब्लॉग में देखने के लिए। तो फिर इसी बात पर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अभी सभी लोग रूम पर आ चुके हैं, तो फिर कैसे एक फीलिंग कैसी है आपकी कॉलेज में? बहुत दिनों से जा रहे हैं हम कॉलेज में, बहुत दिन हो गए। और सर्वेश मिलने वाला है आज, सर्वेश बहुत दिनों के बाद सर्वेश ब्लॉग में दिखेगा। अरे इधर प्रथमेश, आपको कैसे लग रहा है बहुत दिनों के बाद कॉलेज में जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद कॉलेज में जाएंगे तो जरा मजा आएगा, मिलेंगे सब दोस्तों से और दोस्तियों से। और इधर पार्थ सांगना कसं वाटतं तुला लगेच सोबत चालते? बहुत बढिया, एक नंबर। और बहुत दिनों बाद कॉलेज में जा रहे हैं, हरियाली देखने को मिलेगी। कैसे आ रहे पेड़ों के हरे? वही हमारा कॉलेज तो रिनोवेट हो रहा है, रिनोवेट हो मिलेगा। तो गाइस, हजार सालों बाद सोम आ चुका है, 1.5 घंटे से हमें ये वेट कर रहा था, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, वो काम में बिजी था। अभी हम लोग, मैं सूरज और सोम निकल रहे कॉलेज के लिए, बाकी लोग मेस में जाएंगे खाना खाने के लिए, उनको अभी मेरी सबसे आधा घंटा लगेगा, इसलिए हम आगे जाएंगे। वहाँ पर हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी हम कॉलेज पर पहुँच चुके हैं। अभी निशांत और पवन कहाँ पर खड़े वो ढूंढना पड़ेगा हमें, पार्किंग इधर किधर तो रुके थे। गाइस, यहाँ पर अभी आप हमारा कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा दोस्त निशांत है, अभी कॉलेज का टॉपर, BMCC की लड़कियों की दिलों की धड़कन और कुछ डिवीजन और टॉपर। अभी अंदर जाएंगे हम रिजल्ट लेने के लिए, आपको बताते हैं हम। अभी कॉलेज भी टूर दिखाऊंगा आपको, कॉलेज की टूर, अंदर क्लासेस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। गाइज, आप देख सकते हैं, यह ऐसा कुछ कॉलेज के एंट्रेंस है और यहाँ पर हमारा असेंबली हॉल है, द JN टाटा असेंबली हॉल। यहाँ पर इधर रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए अंदर का तो कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। अभी क्लासेस वगैरह दिखाता हूँ, उधर प्रिंसिपल ऑफिस, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस और सुपरवाइजर का ऑफिस है हमारे, और इधर क्लासेस है बाकी। ये गाइज, आप BBA की बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इसको यहाँ पर BBA के लिए एडमिशन लेना है। यहाँ पर ही टॉप करेगा, इधर देख सकते हैं काम चल रहा है अभी रिनोवेशन का, कितने काम को लगा इधर मैंने, ये ऐसी कुछ बिल्डिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे टॉपर्स का फोटो सेशन चल रहा है टीचर्स के साथ। यहाँ पर सबको 35% है। 35 नहीं, वो सब फेल लोग है, फेल लोगों का सेशन लिया है उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो बार वही फिर से क्लियर कर सके। नहीं, टॉपर्स का है वो, सभी टॉपर्स है, सबको 35% है। यहाँ पर हमें कोई भी नहीं पूछ रहा, फोटोशूट होने वाला है, हो गया। और यहाँ पर हमारे सारे दोस्त, अरे ये बहुत दिनों के बाद देवा भाई हमारे ब्लॉग में, और एक सरप्राइज आपके लिए। 35% वाले लोग, हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। बोल लगा इधर रहो, कितने वार्ड में बोलते हो? बहुत दिनों बाद सर्वेश हमारे साथ जुड़, योर ब्लॉगिंग पार्टनर। हाँ, ब्लॉगिंग पार्टनर हमारा, बहुत दिनों बाद आया। अभी अंदर जा रहे हैं हम, यहाँ पर साइड में हमारे टीचर्स वगैरह सब लोग हैं। अरे यहाँ पर हमारे डायरेक्टर है, हम सर देख सकते हैं, हमारे पीछे डायरेक्टर सर है, हम उसको ले लेंगे क्लिप में, हम लेंगे आप सर, हम लेंगे सब लेंगे। यहाँ हमारे निशान शेट प्यार में फेल हुए लोग, सब लोग जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। तो गाइस,
आप भी देख सकते हैं, हम सब लोग जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। यहाँ पर सब लोगों की भीड़ है, सब आ गए। तेरा रूम नंबर कितना? मेरा रूम नंबर 20। फिर मैं इधर, वो इधर। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट रिजल्ट कलेक्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इनका रिजल्ट आ चुका है। ये चेक कर रहे हैं कितने मार्क्स कितने मिले, कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे में। The next day, गाइज अभी हम किधर हमारे बीएमसी कॉलेज में आए हैं। ये हमारा 12th का हिंदी क्लास आप देख सकते हैं। ऐसे कुछ अंदर के हमारे क्लासेस है। मुझे BBA के लिए यहाँ पर एडमिशन लेना है, इसलिए BBA की इंक्वायरी के लिए हम यहाँ पर आए। तो फिर आपको भी जानना होगा इंक्वायरी वगैरह, तो मैं इस ब्लॉग में बता दूंगा। पहले हमारी इंक्वायरी बोले तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब अभी वेबसाइट पर तो फॉर्म खुल गए, तो फिर आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर ब्लॉग पर बने रहिए और वेबसाइट पर उन्होंने फॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कॉलेज का रिनोवेशन चल रहा है। इधर एक मिरर था, मिरर भी यहाँ का निकाल दिया है, शायद से नया बिठाएंगे, पहला टूट गया था। यहाँ पर देखिए पुट्टी वगैरह सब कर दिए कॉलेज की, क्लासरूम्स वगैरह। यहाँ पर आप क्लासरूम्स देख सकते हैं। ये इधर है हमारे 12th के क्लासरूम सी डिवीजन की। यहाँ भी यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर अंदर जाने नहीं देंगे या जाने देंगे या नहीं, क्या मालूम। यहाँ पर मेरे एग्ज़ाम्स रहते थे, ये मेरा एग्ज़ाम हॉल था। यहाँ पर ये हमारी सी डिवीजन की क्लासरूम थी। उधर उस रो में बॉयज़ बैठते थे, इधर गर्ल्स और इधर टीचर्स। यहाँ पर स्क्रीन वगैरह है, देख सकते हैं 120 स्टूडेंट्स की ये क्लासरूम है। और इधर ए डी जेंट्स की थी, इधर शायद से बी की थी, और उधर डी और नीचे ए की थी। नहीं, इधर ही ए की थी मेरे हिसाब से, और उधर ई की थी शायद। और इधर से आप हमारे कॉलेज का पूरा व्यू देख सकते हैं। इधर इसका ब्लॉग चालू है, सब्सक्राइब करो इसके चैनल को। और ये यहाँ पर है हमारा ग्राउंड, ये नीचे फुटपाथ है, देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। इधर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सारी चीज़ें खेली जाती है। उधर पवेलियन है मैचेस वगैरह देखने के लिए। नीचे उधर प्रिंसिपल का घर है। और इधर आपको मैं अभी टाटा हॉल दिखाता हूँ, उसका भी रिनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा टाटा हॉल असेंबली हॉल है हमारा। इधर हमारे सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। इधर रेनोवेशन चल रहा है, पीओपी वगैरह चल रहा है। नहीं, पीओपी नहीं चल रहा, नीचे फ्लोरिंग वगैरह पीओपी भी चल रहा है मेरे हिसाब से। और अभी चलो तो गाइज, आपने पूरा कॉलेज देख लिया होगा, तो फिर कॉलेज आपको पसंद आया होगा और आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो फिर मैं BBA BCOM BCA की रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिसको 11th के लिए एडमिशन लेना है तो वो eleventhadmission.org पर जाकर आपका रजिस्टर कर सकते हैं। BCOM BCA की लास्ट डेट है 10 जून, तो फिर जल्दी से जाकर रजिस्टर कीजिए। एंट्रेंस भी मेरे ख्याल से FY BCOM के एडमिशन्स 16th ऑफ जून के, और बाकी BBA की एंट्रेंस जो है वो उसके बाद ही है, उसकी अभी तक डेट नहीं आई। तो फिर आप सो गाइज, जैसे ही BBA की एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर कॉलेज पसंद आया होगा और आपको उसके लिए रजिस्टर करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं है, 10 जून लास्ट की डेट है। तो फिर जल्दी से रजिस्टर कीजिए और 16 जून को एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी BCOM की, और BBA की एंट्रेंस उसके बाद होगी, मतलब 15 तारीख के बाद होगी, ऐसे उन्होंने बताया। तो फिर जल्दी से जाकर रजिस्टर कीजिए। BBA की रजिस्ट्रेशन फ़ीस मेरे हिसाब से 300 रुपये, मैंने भी रजिस्टर किया है, सिर्फ 300 रुपये, ज़्यादा नहीं है। और मेरिट हाई लगेगा कॉलेज का, तो फिर उसके हिसाब से आप BBA BCOM दोनों के फॉर्म भर दीजिए। तो फिर गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो फिर दिस इज़ अनित कनेरे साइनिंग ऑफ।